जो जंगल और जमीन से संबंधित कानून के खिलाफ उन्होंने काम किया है, इसलिए वो जानते थे कि उनके खिलाफ लोग मतदान करेंगे, इसलिए भाजपा के सीनियर लीडर प्रचार के लिए वहाँ डर से नहीं गए। एनओसी का जी जंगल और जमीन से संबंधित किसी भी आंदोलन में भागीदारी नहीं निभाई, ना ही उन्होंने कभी संवेदना या चिंता व्यक्त नहीं की। राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि आपका जो छवि है वो बरकरार रहना चाहिए। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज अपने साथी अरविंद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कुलेवीरा चुनाव की लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। जब से चुनाव की घोषणा हुई थी हमने उसके पूरे इतिहास की जानकारी आपको दी, ये बताया कि कुलेवीरा का इतिहास क्या है। उसके बाद जिस दिन मतगणना थी हम लगातार लाइव बने रहे, आपको बताते रहे कौन आगे है कौन पीछे है, और चुनाव में जीत की जब घोषणा हुई तो हमने एक विश्लेषण भी आपके सामने प्रस्तुत किया कि इस जीत का आधार क्या रहा, जो जीते उन अहम मुद्दे क्या थे और कितने वोटों से जीत हुई। एक कहानी रह जा रही है, इसके बाद भी एक पक्ष रह जा रहा था, उस विजेता से आपको मिलाना बेहद जरूरी हो गया था इस पूरी सीरीज में, जो इस चुनाव में एक तरह से जनता के लिए हीरो बनकर सामने आए हैं, विक्सल कोंगाडी जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप जब से जीते हैं तब से लेकर अब तक इतनी व्यस्तता है, उस बीच आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें ये बताइए, सबसे पहले तो आप कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर आ रहे हैं, वो मुलाकात कैसी रही, क्या बातचीत हुई, इस बारे में थोड़ा पहले बताएं, फिर बाकी चीज़ों पर। राहुल गांधी जी पर और पूरे कांग्रेस टीम पर, कांग्रेस पार्टी पर बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि आपका जो छवि है वो बरकरार रहना चाहिए, और कांग्रेस का जो अभी का जो माहौल है वो 2019 का दोनों इलेक्शन तक मेंटेन रहना चाहिए, उसके लिए आप जाइए, लोगों से मिलिए, काम कीजिए, क्योंकि समय कम है, यही निर्देश। जो लोग कार्यकर्ता होते हैं उनको नेताजी कहकर संबोधित किया जाता है, तो अभी मैं सुन रहा था आपको जो संबोधन नीचे मिल रहा था, नेताजी से विधायक जी हो गए, तो ये संबोधन मुझे लगता है पहली बार सुन रहे होंगे, कितना कितने परिचित हैं आप इस संबोधन से? मुझे ये संबोधन जरा सा अटपटा लग रहा है। अच्छा, और मैं जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं और जो हमारे गांव से जो आते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं या साथी मित्र शुभचिंतक हैं, उनको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि विधायक कहकर दूरी मत बनाइए। पहली हवाई यात्रा थी जी मेरी, भी पहली हवाई यात्रा। इस बारे में थोड़ा बताइए, एक नेता के तौर पर नहीं, एक कुलेवीरा के एक साधारण आदमी के तौर पर, कि वो जब हवाई जहाज पर पहली बार चढ़ रहा था तो इस जीत के साथ इतनी बड़ी खुशी के साथ, तो उस वक्त क्या आपको लग रहा था? जैसे मुझे यहाँ प्रदेश से हमारे सीनियर लीडरों ने कहा कि राहुल गांधी जी के पास आपको जाना है, उनसे मिलना है, और तो मुझे ठीक है मैं जाऊँगा मिलूँगा, और मैंने अपने कुछ चॉइस के लीडरों से और साथियों से कहा कि हम लोगों को दिल्ली चलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी मिलना चाह रहे हैं, तो हम और बहुत जल्दी मिलना चाह रहे हैं, तो इसलिए ट्रेन से तो संभव नहीं है इतना जल्दी, इसलिए प्लेन से ही जाना है, और वो सारी व्यवस्थाएं पार्टी कर रही हैं, तो फिर चलना है, तो फिर बाद में पार्टी के सहमत हो गए कि ठीक है आप अपने कुछ लोगों को ले जा सकते हैं, लेकिन बाद में हमारे प्रदेश कमेटी से कहा गया कि आपको अकेले ही जाना है। अच्छा। तो मैं बहुत यह हुआ, फिर मैंने हमारे पार्टी के सीनियर लीडरों को कहा कि सर मैं तो कभी प्लेन से गया नहीं हूँ, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, कैसे क्या, मैं बोर्डिंग वगैरह, हाँ मैं दिल्ली पहुँच ऑफिस पहुँच पाऊँगा कि भी नहीं। ऐसा कौन सा आपने काम किया जो आपको जीत की तरफ ले गया, मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा था जो आपको लगा कि बेहद अहम था, उस पर काम करना जरूरी था? जो दो मुख्य आजीविका का साधन है जंगल और जमीन, उससे जुड़े कानून में जो फेरबदल, उनको लेके आंदोलन किया, और उसी आंदोलन का ये नतीजा है। उस वक्त जब आप इतने साल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इतना कुछ दिया है आपने, और जब मौका है जनता के लिए कुछ करने का, तो आपको वोटर कार्ड नहीं था, बनवाने में कितनी परेशानी हुई, लगा था कि क्या इस बार आप चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, क्या स्थिति थी उस वक्त? जब मैं सारा दस्तावेज तैयार कर रहा था, जिसे जाति प्रमाण पत्र बनाना, क्योंकि ये आरक्षित सीट है इसलिए जाति प्रमाण पत्र बनाना था, फिर वोटर लिस्ट में सर्टिफाइड कॉपी जरूरत होती है, तो मैंने उसको भी निकालने गया, तो मैंने देखा कि उसमें मेरा नाम नहीं है। फिर मैं बहुत
एक बार तो नर्वस भी हुआ और बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ कि आखिर मैंने नाम हटाने का कोई भी आवेदन नहीं दिया है, और नाम हटाने से पहले जब फॉर्मेलिटियाँ होती हैं, मेरे पास नोटिस भी नहीं आया है, मेरे जानकारी के बगैर और मेरे आवेदन के बगैर आखिर कैसे हटा। फिर मैंने वहाँ कोर्ट की तरह वहाँ नोटिस दिया गया, वहाँ मैंने अपने पक्ष रखा। फिर अच्छा, इसलिए आपने कोर्ट की तरह नोटिस भिजवाया तब जाके? हाँ हाँ, वहाँ से SDO, यहाँ से जो चुनाव निर्वाचक नामावली पदाधिकारी हैं, तो नोटिस आया। फिर मैंने वहाँ पर अपना पक्ष रखा। आवेदन तो मैं पहले ही दे चुका था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया कि उनको भी जानकारी हो गई थी कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। फिर सर बोले कि विक्षल जी, आपको हम लोगों ने चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? फिर बोले कि 1.5 दिन का हम लोग समय आपको अच्छा, देते हैं। अच्छा। क्योंकि एकदम अंतिम नॉमिनेशन का अंतिम 3-4 दिन बचा हुआ था, और बोल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोले कि आपको अपना 1.5 दिन में अगर 1.5 दिन में अगर कर पाएंगे तो आप हमारे उम्मीदवार होंगे, अन्यथा आप ही को बताना होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। क्योंकि आप फील्ड से जुड़े हैं तो आप ही को काम तो करना है, इसलिए किनके लिए आप काम करना चाहेंगे, कौन जिता पाएगा, आप आपकी जिम्मेवारी। मैं अपने सभी धर्म से जुड़े हुए दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर किया कि रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्रेयर कीजिए, चूँकि प्रेयर से ही अब ये संभव हो सकता है। चूँकि ऑफिस का काम तो मैं जानता हूँ, क्योंकि 3 कार्यालय से होके आना है, आयोग में भी उसका अनुमोदन होना है, फिर 3-3 कार्यालय में 1 दिन में गुजरना है और अनुमोदन का आना है। तो मैं बोला कि ऐसा काम तो ईश्वर ही कर सकते हैं, इसलिए मैं हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे उनको भी बोला, हिंदू कम्युनिटी के थे उनको भी बोला, और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी उनको भी बोला कि सबको ही अपने अपने प्रकार से प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तभी यह संभव हो सकता है, नहीं तो मैं आपका कैंडिडेट नहीं होऊंगा, नहीं हो सकता। तो मेरे लिए चुनाव जीतने से ये रोचक ज्यादा संघर्ष रहा है, संघर्ष इसमें रहा, और चूंकि नाम ही नहीं होता तो आज मैं चुनाव ही नहीं लड़ पाता, और चूंकि मैं जान रहा था कि चुनाव तो मैं जीतूंगा लेकिन लड़ूंगा तभी ना जीतूंगा, क्योंकि जनता चाह रहे थे, पार्टी के लोग चाह रहे थे, और मेरे लिए चुनाव जीतने से ज्यादा आश्चर्य कर्म वोटर लिस्ट में नाम अनुमोदन होना ये रहा है। 1999 से आप कांग्रेस में हैं, अलग अलग जगह काम किया है, लेकिन आप इस जीत का श्रेय घर वालों को किसी को देना चाहेंगे या किसी को भी देना चाहें जो आपको लगता है कि इस जीत का श्रेय घर के मेरे 2 सदस्य हैं, एक तो मेरी माँ है जो कि एक बहुत ही छोटा प्राइवेट जो चर्च का एक सेवा के लिए, मरीजों का सेवा के लिए एक हॉस्पिटल था, और उस हॉस्पिटल में मेरी मम्मी एक नर्स थी, और बहुत ही एकदम कम सैलरी पर, क्योंकि हॉस्पिटल के इंचार्ज भी अपने थी, और अपने ही सब कुछ करना चलाना, और माँ भी बहुत सेवा की उस क्षेत्र के मरीजों का, और बहुत कम पैसा में सेवा देती थी माँ, इसलिए वहाँ जिला में उतना बड़ा जिला हॉस्पिटल होने के बावजूद हॉस्पिटल से ज़्यादा भीड़ जो मेरी माँ क्लिनिक चलाती थी मिशन का, वहाँ भीड़ रहता था। तो ये विक्सल कोंगांटी की सिर्फ कमाई हुई जनता नहीं है, उनकी माँ का जो इतना रहा है वो भी विक्सल कोंगांटी के साथ आई है, और मेरी माँ भी, मैंने कभी भी कोई विभागों से चंदाखोरी नहीं किया, माँ का पैसा से मैंने घूमना फिरना, मीटिंग जाना, उस मोटरसाइकिल में तेल भरना, और जो अन्य चुनाव के जो खर्च होते थे सारे मेरी माँ वहन करती थी। विवाह होने के बाद, मेरी माँ का भी एज हो जाने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया हॉस्पिटल का। फिर मेरी मिसेस जो शादी के बाद, उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट परियोजना कर्मी के रूप में शिक्षा विभाग में अच्छा, नौकरी रही, BPO के रूप में। फिर उसका भी बहुत इच्छा था कि मैं MLA बनूँ, और उन्होंने भी अपने सारी कमाई, जबकि परियोजना कर्मियों का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस बहुत कम सैलरी होता है, फिर भी उसी से घर भी चलाना और उसी पैसे से क्षेत्र भ्रमण करना, कार्यक्रम वगैरह करना, ये सब रहा। फिर इधर
एक डेढ़ साल बाद 2016 का नवंबर महीना में हम सबों को पता चलता है कि मेरे मिसेस के ब्रेस्ट में एक गांठ है। हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, फिर जब बाद में ऑपरेशन सब होता है, फिर ऑपरेशन के बाद बायोप्सी रिपोर्ट में पता चलता है कि उसको कैंसर है। फिर मेरी मिसेस वैसे ही कैंसर पीड़ित होने के बावजूद भी ऑफिस ज्वाइन की, फिर ऑफिस में काम करने लगी, फिर उसको ऑफिस में हम छोड़ते थे, फिर हम अपना फील्ड निकलते थे, फिर ऑफिस में अपना फील्ड का कार्यक्रमों को करके फिर उनको मैं 4:30 बजे तक ऑफिस या 4 बजे तक ऑफिस आता था, फिर लेके हम लोग घर जाते थे। फिर इधर अप्रैल माह में मेरी मिसेस का देहांत हो जाता है। फिर देहांत होने के 15 दिन बाद एनओजेका जी का मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, कोर्स से आता है। मैंने कार्यक्रम लगातार करते रहा और अंत में 40 ने मेरे इस काम को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार बनाई और आज आपके सामने सबसे पहला काम लगता है ये कर देना चाहिए। मैं हालांकि दो काम को लेके मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ और आम जनता की आवाज़ जो है, चूँकि हमारे आदिवासी ट्राइब में उनका जीविका आजीविका का साधन सिर्फ जंगल और एग्रीकल्चर है, और जो बीजेपी की सरकार की जो नीतियां हैं जंगल और जमीन दोनों पूंजीपतियों को देने के लिए बहुत साजिश और षड्यंत्र के तहत कानूनों को संरक्षण के कानून को बदलना चाह रही है, और इसके चलते गांव के लोग बहुत ही डरे हुए हैं। वन अधिकार के लिए जो भी दावा अनुमंडल कार्यालय में जमा है उसको इसी जो दावा जिस कार्यालय में भी या जिस टेबल में भी ये दावा फॉर्म अटका हुआ है उसको मैं देखूंगा और इसको मैं कानूनी ढंग से विधानसभा में रखूंगा, और जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं जो कि एसोसिएशन एक्ट में जो शामिल है वन अधिकार कानून, उसका अगर वे उल्लंघन जिस कार्यालय या जिस टेबल में है उन पर मैं इस कानून के तहत कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। और ग्राम सभा को मैं वन अधिकार का पट्टा दिलाना यह मेरा पहला प्राथमिकता होगी। भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि बड़े नेता नहीं गए तो उस तरह से जनाधार इकट्ठा नहीं हो सका, इसलिए भाजपा हार गई, दूसरे नंबर पर आई। ये पहला सवाल। दूसरा, ये एनओस 3 बार से जीतते रहे हैं एनओसिका, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनओस को 3 बार चुनाव जीतने में मदद कर रही है? भाजपा अपना हार को पहले से जान रहे थे। हार का 2 कारण कि उसका वोटर वहाँ सीमित है और जो कोलीबिरा विधानसभा में जो 72% ट्राइब हैं उनके आजीविका जो जंगल और जमीन से संबंधित कानून के खिलाफ उन्होंने काम किया है, इसलिए वो जानती थी कि उनके खिलाफ लोग मतदान करेंगे, इसलिए भाजपा के सीनियर लीडर प्रचार के लिए वहाँ डर से नहीं गई। एनओजेका जी का वहाँ पर लगातार जीतने का कारण मेरा अपना व्यक्तिगत राय हो सकता हो, गलत भी हो, हमारे पार्टी की तो बहुत अच्छे नीति और सिद्धांत हैं, लेकिन उन पार्टी और उन मतलब उन नीति सिद्धांतों को जन जन तक हमारे पार्टी के लोग नहीं पहुंचा पाए, जिस कारण क्षेत्रीय पार्टी पर उस क्षेत्र के लोगों का भरोसा बढ़ा है, और इसी यही कारण था कि एनओजेका जी को लगातार मिली हैं 3 बार जीते। और जो इधर 4-5 सालों से जो हम मैंने कांग्रेस की सभी नीतियों को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्ग या सभी स्टेज जो मानव का जो है उसको सभी स्टेज के लिए वो एक योजना बना के रखी, जैसे मैं बता देना चाहूँगा संक्षेप में कि जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय से लेके मृत्यु तक की योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बना के रखी हैं, और इन योजनाओं को आम जनता तक कांग्रेसी कार्यकर्ता शायद नहीं पहुंचा पाए थे, इसी वजह से गैप रह गया था। और इधर 5-6 सालों में कांग्रेस की नीतियों को कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने में मैं और जो अभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की टीम और सभी विंग की टीमों ने जो काम किया है पहुंचाने का
उसी के कारण ये जीत हुई है कि कांग्रेस पार्टी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और कांग्रेस पार्टी का काम को और नीतियों को लोग समझकर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुके हैं लोग। और एनओजे का जी जंगल और जमीन से संबंधित किसी भी आंदोलन में भागीदारी नहीं निभाए, ना ही उन्होंने कभी संवेदना या चिंता व्यक्त नहीं की इसके लिए। हमें उम्मीद है आप जीत कर आए हैं, जो भरोसा आपके क्षेत्र की जनता ने आप पर दिखाया है, जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने आपको चुना है, उनकी उम्मीदें, उनके सवाल, आप जहाँ जगह है विधानसभा में उनके लिए जो जरूरी काम है, जो योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाते रहेंगे। आपको एक बार फिर जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका आभार कि आपने हमें वक्त दिया। नमस्कार दर्शकों, ये पूरी बातचीत थी विक्सल जी के साथ और हमें ये आप तक पहुंचाने इसलिए भी ज़रूरी थी कि आप समझ सकें कि इस जीत के पीछे का संघर्ष क्या है और जीत के बाद विक्सल जी की योजनाएँ क्या हैं, वो क्या काम करेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। नमस्कार।